वक्ता और सबल प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा सादर अनुरोध है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें माननीय पात्रा जी। संजय जी को बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि मुस्कुरा के आपका स्वागत भी करूं, मगर आज मैं मुस्कुराना नहीं चाहता, क्योंकि जो विषय पे आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं बहुत गंभीर है। यह प्रेस वार्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर हो ऐसा विषय नहीं है। यह प्रेस वार्ता देश के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के लिए ये गंभीर मामला है, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ विषय है, उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, उनके सिक्योरिटी, उनके जान से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए आज मुस्कुरा के नहीं, आज गंभीरता से कुछ सवाल हम यहां खड़े करने वाले हैं। इससे पहले कि प्रेस वार्ता आरंभ किया जाए, एक वीडियो जो कल से आप लोग देख रहे हैं उसको पुनः हम दिखाना चाहेंगे। पूरी शिद्दत के साथ आप एक एक शब्द और उस शख्सियत को देखें जो इस वीडियो में दिख रहा है और कह रहा है, उसके पश्चात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू रखेंगे। वीडियो दिखाया जाए। सामने वाला व्यक्ति 50 करोड़ रुपए कोई हिंदुस्तानी तो नहीं देगा, पाकिस्तान में ही देगा। आप सोचिए, अगर यही शब्द किसी और के लिए प्रयोग किया गया होता तो आज भूकंप आ गई होती। मुझे कहते हुए दुख लग रहा है कि यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि कल से ये वीडियो हम देख रहे हैं, मगर अभी तक हिंदुस्तान के मीडिया में और विपक्ष में यह भूचाल नहीं आया है। बंधुओं, केजरीवाल जी के प्रायोजित थप्पड़ों की गूंज महीनों तक सुनाई देती, मगर यहां देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को मरवाने की साजिश, उस पर बात नहीं होती है, उस पर चुप्पी होती है विपक्ष की। क्यों? आखिर ये विपक्ष चुप क्यों है? क्या विपक्ष तेज बहादुर के इन बातों से सहमत है? क्या विपक्ष मोदी जी के इस हश्र से सहमति रखता है? कल मैं टीवी देख रहा था और टीवी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तेज बहादुर की। तेज बहादुर ऐसा, तेज बहादुर वैसा, इतना अच्छा आदमी है, उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं आज अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, ये वीडियो देखने के पश्चात क्या आप देश से माफी मांगेंगे? मैं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के गठजोड़ से, ये जो गठजोड़ बनाया हुआ है इन्होंने, ये जो मिलावटी गठजोड़ है, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कोएलिशन
देश से माफी मांगी थी। आप अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट करते हैं, 5 दिन तक डिबेट करते हैं, यहां 50 करोड़ रुपए लेके देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री की एसेसिनेशन की बात हो रही है, और तो और जिस व्यक्ति की वीडियो आपने देखा है, कल जब उस व्यक्ति से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उसने स्वीकृति दी है कि हाँ ये वीडियो मेरा है, उसने कहा है शायद कि 1-8 साल पुरानी है, पुरानी वीडियो उससे फर्क नहीं पड़ता है, साजिश थी, प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश थी, और सबसे बड़ी बात अगर ये वीडियो पुरानी थी, उसको कैंडिडेट बनाने की कोशिश, उसको कैंडिडेट बना के मोदी जी के सामने उतारने की साजिश, ये किसकी थी? बहुत दुख का विषय है। यही काम अगर एक नामदार के साथ होता, ये तो कामगार प्रधानमंत्री है, मोदी जी कामगार है, उनको मारने की साजिश, उनको असैसिनेट करने की 50 करोड़ की साजिश, इस पे विपक्ष की चुप्पी, अगर यही वीडियो किसी नामदार के नाम पे होता तो क्या ये विपक्ष चुप रहती? क्या ये विपक्ष चुप रहती अगर ये नामदार के नाम पे वीडियो होती? बिल्कुल नहीं। राजीव गांधी जी के विषय में प्रधानमंत्री जी ने सत्य कहा और आज तक उसकी गूंज चल रही है। विपक्ष का एक एक नेता उनके प्रधानमंत्री जी के विषय में अनर्गल गाली दे रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रधानमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया है, मगर इस पर एसासिनेशन अटेम्प्ट पर चुप्पी। और बंधुओं, ये पहली बार नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग पीपल सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। वी हैड सीन, वी हैड रिकवर्ड दैट लेटर, न्यूज चैनल्स हैड शोन दैट लेटर ऑफ द अर्बन नक्सलाइट्स, जिसमें ये लिखा गया था कि मोदी जी को मारना होगा, एक साजिश करनी होगी, जिस प्रकार से पहले लोगों को मारा गया ठीक उसी प्रकार मोदी जी को उड़ा देना है, मोदी जी को मार देना है। और ये पूरी डिबेट मीडिया में चली थी, वो सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने हैं, और जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी थी वो आज सलाखों के पीछे हैं। थैंक्स टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री, कानून तो अपना काम कर रही है, मगर ये विपक्षी, इनकी नियत किस हद तक गिर सकती है? आप देखिए, उस समय भी अरबन नक्सलियों की इन चिट्ठियों का समर्थन था, उसके लिए लोग खड़े होकर लड़ रहे थे, और आज तेज बहादुर को अपनी प्रत्याशी बना के उतार रहे हैं, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। बंधुओं, इज्जत जहान की प्रशंसा इन लोगों ने की थी। जब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश होती है, ये सारे विपक्ष के लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे कामगार को हरा नहीं सकते, नामदार और परिवारवाद को जीवित रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आज ये स्पष्ट हो रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी इसमें चुप रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसमें चुप्पी रखेंगे या माफी मांगेंगे जो भूरी भूरी तारीफ वो कर रहे हैं? क्या मायावती जी इस पर चुप रहेगी या क्षमा याचना करेगी? मुझे लगता है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उनको मारने की साजिश करने वालों का पर्दाफाश करना और उनकी निंदा करना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। एक बात और आपको याद दिला, ये आंशिक वीडियो हमने दिखाया है, ये वीडियो काफी बड़ी है, और इस वीडियो में आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन का नाम भी आता है, इस वीडियो में हाफिज सईद का नाम भी आता है, और इस वीडियो में LET लश्करे तैयबा का नाम भी आता है। ये कहा जाता है कि मुझे हाफिज सईद से मिला दो, मुझे, मैं हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बैठ के चाय पी के आया हूं, मैं LET से मिला हुआ हूं, और इन सारे लोगों के साथ मिलकर किस प्रकार से मोदी जी को निपटाना है, यह मूल है इस वीडियो का। दिस इज अ सीरियस अफेयर, बट द आयरनी इज the opposition stands with such kind of people, the opposition stands with such kind of narrative. Justice will be given by the people of this country. जब 23 तारीख को नतीजे निकलेंगे तब आप देखेगा कि एक गरीब प्रधानमंत्री के हक में देश की जनता खड़ी होगी। धन्यवाद बंधु, सवाल बोल तो आप चलो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर क्या? बहुत दुखद है। लोकतंत्र में भाषा एक ऐसा गहना है जिसको कभी भी खोना नहीं चाहिए, और जिस प्रकार की बौखलाहट आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब की भाषा में हमने देखा,
जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कहा, हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, आप तो हर दिन भाषण देते हैं और कहते हैं मैं तो बड़ा प्यार करता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री से गले लगाना चाहता हूं। यही है प्यार की राजनीति, यही है गले लगाने की राजनीति। राहुल गांधी जी, आपने प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों के प्रयोग किए थे, उसका नतीजा यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट में आपको जाके क्षमा याचना करनी। पिछली बार आपने प्रधानमंत्री जी को नीच कहा, आपने प्रधानमंत्री जी के लिए किन किन शब्दों के प्रयोग नहीं किए, और हर बार हमने नतीजा देखा है कि देश की जनता ईवीएम मशीन के माध्यम से इसका जवाब देती है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों के प्रयोग किए, छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब देगी। देखिए, जहां तक वीवीपैट मशीन का सवाल है, ये सारे विपक्षी लोग एंटीसिपेटरी बेल लेने गए थे। ये जानते हैं कि 23 तारीख को जमानत जब्त होने वाली है, 5 चुनाव फेज के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। एक तरह से जो नतीजा सामने आ रहा है, जनता की जो वाइब्रेशन सामने आ रही है, वो स्पष्टतः दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर 300 पार जा रही है और अपने अलाइंस के साथ 2/3 मेजोरिटी की ओर जा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, मैं रिपीट करता हूं इन कैपिटल लेटर्स, भारतीय जनता पार्टी आफ्टर द 5 फेज इलेक्शंस, द इको अक्रॉस द कंट्री इज बीजेपी अलोन इज गोइंग बियॉन्ड 300 सीट्स एंड अलोंग विद इट्स अलाइज इन द एनडीए वी विल हैव 2/3 मेजोरिटी। परटर्ब एंड डिस्टर्ब बाय दिस, ये सारे विपक्षी लोग एक होकर वही रुदाली रोना, ईवीएम खराब है, हाय हाय ईवीएम बिक गया है, वो पुनः शुरू कर रहे हैं, और आज उनको उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। ये सारे लोग मिलकर 23 तारीख के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने गए थे कि रोते कि ईवीएम हैक हो गया है, फलाना हो गया है, मगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये सब जमानत जब्त हो गया। ममता बनर्जी, देखिए ममता जी की जिस प्रकार का व्यवहार हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, एक बात आज स्पष्ट हो चुका है कि शी हैज कंसीडर्ड डिफीट, कि वो हार चुकी हैं, वो यह जानती हैं। इसीलिए देश के निर्वाचित लोकतांत्रिक तरीके से देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानना, क्या ये डिक्टेटोरियल नहीं है? वो बोल रही है कि मैं इन प्रधानमंत्री से बात नहीं करूंगी, यह अन्याय है। साइक्लोन आया, साइक्लोन में रिलीफ मटेरियल देने की बात करना चाहते थे प्रधानमंत्री, वो अपने लोगों को रिलीफ मटेरियल तक नहीं देना चाहते, वो अपने लोगों के लिए जो केंद्र से सहायता जाना चाहते वो सहायता तक नहीं देना चाहती, लोगों के साथ अन्याय, देश के संविधान के साथ अन्याय, ये कहां से न्याय की बात करती है? श्याम पित्रोदा, द मोर ही स्पीक्स more the number of seats the Congress loses. See, as far as Prime Minister's statement on Rajiv Gandhi ji is concerned, they are statement of fact. That Mr. Rajiv Gandhi was corrupt is something everyone knows. That Mr. Rajiv Gandhi was involved in the Sikh riots, everyone knows. And that is what the Prime Minister dared the Congress party yesterday, that if you think so highly of Rajiv Gandhi ji, why don't you contest the remaining 2-phase elections in the name of Mr. Rajiv Gandhi? हो जाए, राजीव गांधी जी के नाम पे आप पंजाब में चुनाव लड़के दिखाइए, आप दिल्ली में चुनाव लड़के दिखाइए। द कांग्रेस पार्टी शाइज अवे फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ राजीव गांधी इन दिल्ली एंड पंजाब, व्हाई? बिकॉज ऑफ गिल्ट फैक्टर, दे आर बरीड अंडर द गिल्ट ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय मिस्टर राजीव गांधी, द क्राइम ऑफ बुचरिंग 3006, 3000 सिखों को राजीव गांधी जी ने मारा है। इसलिए ना पंजाब में ना दिल्ली में राजीव गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ सकते, वो सिग्नेचर कराते रहे, देश की जनता ईवीएम में सिग्नेचर करेगी। कांग्रेस इज फ्रॉड एज एनोनिमस, यू नेवर नो, ये सिग्नेचर उनके परिवार के लोगों की ही होगी, कांग्रेस के परिवार के लोगों की, बट आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दोज सिग्नेचर्स बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी वेरीफाइड। But we all know that Congress can go to any extent
to malign the name of the Prime Minister of this country, Mr. Modi. I mean, the whole press conference today is on the fact that Congress is quiet on this assassination attempt to Prime Minister Modi, the conspiracy of 50 crores by Tej Bahadur. So to take anything on face value as to whatever has spoken by Congress party, I would say is blasphemy. अब क्या होगा, आप पछताए हो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। देखिए, पहले हिंदुओं को आपने आतंकवादी कहा, 26/11 हिंदुओं की साजिश कही आपने, रह रह के हिंदुओं को गाली दी, भगवान राम नहीं है यह कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने, और आज भगवा के ताकत के सामने झुकते हुए दिग्विजय सिंह पूजा हवन मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, रावण भले ही लाख मंत्रोच्चारण किया हो, मंत्रोच्चारण से कभी भी पुण्य नहीं मिलता है, हवन कर लेने से पुण्य नहीं होता है, मन में पुण्य होता है। उनका मन जिस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ काम किया है, उसका नतीजा है कि आज वो प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायश्चित भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके